नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में और ये है 16 अगस्त की मुख्य खबरें। बिहार विधानसभा ने महत्वपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। असम पिछले हफ्ते इस विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने स्वतंत्रता सेनानियों के 11,000 रुपए के पेंशन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। आज से उड़ीसा के सभी सरकारी कार्यालयों में उड़िया भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने एल नीनो के कारण उत्पन्न सूखे की आपदा के मद्देनजर जिम्बाब्वे को 10 लाख यानी कि 1 अरब अमरीकी डॉलर का अनुदान उपलब्ध कराया है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक पी षणमुगम ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा विभाग में सराहनीय सेवाओं के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पुरस्कार जीता। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में 66वें स्थान पर पहुंच गया और मध्य तथा दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शीर्ष स्थान को बनाए रखा। सिंगापुर से ऊपर सूचकांक में शीर्ष 5 देश स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड हैं। नागपुर को देश के पहले बृहद पैमाने पर एकीकृत स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने के कार्यान्वयन पार्टनर के रूप में लार्सन एंड टूब्रो को चिन्हित किया गया है। टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स अग्रणी वैश्विक इंजन कूलिंग आपूर्तिकर्ता टाइटन एक्स का अधिग्रहण करेगा। यह वर्तमान में EQT अपॉर्चुनिटी एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के स्वामित्व में है। आज चीन ने विश्व के पहले क्वांटम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जो अंतरिक्ष और जमीन के बीच हैक प्रूफ संचार स्थापित करेगा। मीशियस के नाम से जाना जाने वाला उपग्रह जीवकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। ऑटो कंपोनेंट निर्माता मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चीन के शानदोंग बिकी हाई हुआ ऑटोमोबाइल पार्ट्स कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। चीन ने अपने स्वदेश निर्मित एवं डिजाइन की गई बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू किया जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। सो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही, तो आइए अब एक नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। आप हमारे सारे शो सीधे आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। बस डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप, जो कि ऑफिशियल ऐप है bankersadda.com और ssc.adda.com का। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमारा ऐप ट्रैफिक और यूजेज के टर्म्स में नंबर 3 पर आ गया है एजुकेशन कैटेगरी में। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट सीधे आपके इनबॉक्स में मिल सकें। तब तक के लिए फॉलो करते रहें अड्डा 24/7 को। धन्यवाद।